रुक करेंगे अगली खबर की बात करेंगे वाराणसी में, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, घाटों की कई सीढ़ियों तक पानी चढ़ा। जानकारी आपको देते हरिश्चंद्र घाट और लंकर्णिका घाट पर भी पानी भर चुका है। प्लेटफॉर्म पर अब शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश का यहां पर सितम जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर पानी भर चुका है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, बाढ़ के पानी की वजह से जो मुसीबतें हैं वो भी बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की ओर से? देखिए, इस समय बाढ़ की स्थिति यह है कि बनारस में कुछ समय पहले तक कुछ प्लेटफॉर्म बचे हुए थे, पर आपको मौजूदा दृश्य दिखाएंगे कि पूरा का पूरा घाट ही अब जल समाधि ले चुका है। 69.1 मीटर तक गंगा पहुंच चुकी है और 70 मीटर पर गंगा का वार्निंग लेवल है और 71.262 मीटर जो है वो खतरे का निशान है, यानी खतरे के निशान से मात्र गंगा 2 मीटर दूर इस समय बह रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर इस समय नाव खड़ी है, जहां पर आपको कुछ इमारत दिख जाएंगे, ये दरअसल गंगा के घाट है, पर पूरी तरीके से गंगा का घाट जलमग्न हो चुका है। अब हम इस समय वाराणसी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर है। अब घाट कहीं आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि पूरी तरीके से घाट डूबा हुआ है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से गंगा के घाट डूबने के बाद बनारस की गलियों में श्रद्धा किया जा रहा है। ये देखिए, बाबा मशाननाथ का मंदिर है जो अब यहां पर पूजन अर्चन हो रहे हैं, और आगे हम बढ़ेंगे जहां पर आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से गंगा के घाट पूरी तरीके से डूब चुके हैं, तो अब मजबूरी में जो श्रद्धा है वो कहां किया जा रहा है। अब देखिए तस्वीरों में देखिए कि यहां पर श्रद्धा जो है वो अब बनारस की इन गलियों में किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब यहां पर जो श्रद्धा है वो बनारस की इन्हीं गलियों में किया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से गंगा के घाट डूब चुके हैं। तो महाशमशान के रूप में अब बनारस की गंगा घाट नहीं बल्कि ये गलियों का दृश्य आप देख सकते हैं जहां पर की श्रद्धा किया जा रहा है। तो इस समय गंगा में बाढ़ लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब गलियों के अलावा कोई चारा बचा नहीं है, क्योंकि गंगा प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, और ऐसे में गंगा की जो रफ्तार है वो लगातार खतरे के निशान की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आलम यह है कि पूरा का पूरा घाट जो है वो जल समाधि ले चुका है, कहीं पर भी कोई जगह बची नहीं है। मजबूरी में गंगा के घाट डूबने के बाद गलियों में श्रद्धा करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो पूरा का पूरा हरिश्चंद्र घाट है वो जल समाधि लिया हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही बाबा मशाननाथ को जो शिवलिंग है वो भी गंगा में इस समय विलीन हो चुका है, क्योंकि पानी इस समय 69.2 मीटर तक पहुंच चुका है और 70 मीटर पर वार्निंग लेवल है और 71.262 मीटर पर वार्निंग लेवल तक गंगा पहुंच जाएगी। और जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि वाराणसी में गंगा 2 दिनों में खतरे के निशान तक भी पहुंच जाएगी, और इस समय पूरा का पूरा गंगा घाट जो है वो जलमग्न हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सामने की बुरी जहां पर ये नाव खड़ी है, दरअसल ये घाट है, और अब यहां पर सिर्फ नाव खड़ी है, क्योंकि बनारस में इस समय किसी भी तरीके के बोट, क्रूज, नाव चलने पर भी पूरी तरीके से बिल्कुल सुशांत। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो दैनिकचर्या का काम था उसी पर ही नहीं बल्कि लोगों की आर्थिकी पर भी एक बड़ा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे अगली